हेलो दोस्तों, हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं, इसलिए उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पर डिटेल्स में नहीं, बस शॉर्ट में जान लेते हैं। ठीक है, थ्योरीज आप लोग लिंक्स पर जाकर पढ़ सकते हो, मैं जस्ट रिकैप कर दे रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर्स यूज इन सी, सी में क्या कैरेक्टर यूज़ होता है वो है। अपर केस में आप ए टू जेड कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस में ए टू जेड कुछ भी यूज कर सकते हैं। याद रखिएगा कि सी प्रोग्रामिंग जो होता है केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अपर केस का यानी कैपिटल ए और स्मॉल ए में दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद आप लोग नंबर्स यूज कर सकते हैं 0 to 9, देन स्पेशल कैरेक्टर जो कि यहाँ लिखा हुआ है, तो सभी के नाम लिखे हुए, तो सभी के नाम आप लोग यहाँ से मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कीवर्ड्स है। ये कीवर्ड्स जो है, ये कीवर्ड्स को हम लोग एज अ फंक्शन और वेरिएबल नेम के, एज ए वेरिएबल नेम एंड फंक्शन हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ये कीवर्ड्स रिजर्व कीवर्ड्स हैं। ठीक है, देन सेकंड पार्ट में आते हैं जो कि है कांस्टेंट। कांस्टेंट एक्चुअली चार प्रकार के होते हैं, वैसे टू कैटेगरी में इसको बांटा गया, लेकिन चार प्रकार के होते हैं। इंटेजर, फ्लोटिंग पॉइंट जिसको रियल पॉइंट भी बोलते हैं, इसके बाद है कैरेक्टर कांस्टेंट एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये चार कांस्टेंट है जो आपको पढ़ना है। इंटेजर कांस्टेंट में क्या होता है कि कोई भी होल नंबर होता है, यानी कि कोई भी पूर्ण संख्या होती है, जैसे 34, या फिर नेगेटिव में भी सकता है -48। ठीक है, उसके बाद रियल और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट में क्या होता है कि ये दशमलव में होता है, डेसिमल में होता है, और डेसिमल के बाद 6 डिजिट ही इसमें आ सकता है, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट में आप कितना लिख सकते हैं 6 डिजिट, यानी जैसे कि 0.12345 इतना तक लिखा जा सकता है। 7 आप नहीं लिख सकते, यानी 1 2 3 4 5 6 7 इसमें नहीं आता है। ठीक है, 6 तक ही आएगा। देखिए रूल्स क्या है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट को लिखने के, इसमें कॉमा नहीं होता, ब्लैंक स्पेस सॉरी नो कॉमा और ब्लैंक स्पेस इज अलाउड इन अ कांस्टेंट। और जो भी यहाँ रूल्स लिखे हैं आप रूल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कि अगर मैं सारा बताऊंगा तो फिर ये वीडियो क्या लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग और कैरेक्टर कांस्टेंट यहाँ लिखा हुआ है। कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है कि कोई भी ये कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल कॉट्स या फिर एपस्ट्रॉप्स के अंदर में लिखा जाता है। ठीक है, और स्ट्रिंग में क्या होता है कि डबल कॉट्स के अंदर में लिखा जाता है कोई भी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें कोई डिजिट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, और जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है एवरेज इक्वल्स टू, जो कि डबल कॉट्स से इनक्लोज है। तो इस तरह से हम लोग क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट को हम लोग लिखते हैं। ठीक है, नीचे सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल बस इतना जान लीजिए कि सिम्बॉलिक कॉन्स्टेंट से क्या होता है कि हम किसी चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसको एक्चुअली हेडर फाइल बोला जाता है, हेडर फाइल हम लोग बना सकते हैं खुद से, इस बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का डिफिनेशन आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि एक वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है। वेरिएबल्स के लिखने के लिए आप कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ आपको अंडरस्कोर ही यूज़ करना है जब आप वेरिएबल लिख रहे हो, तो अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी और वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, और इसका मैक्सिमम कैरेक्टर लेटर्स जो है, यानी कि कोई वेरिएबल जिसे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, कोई वेरिएबल हम लोग लिख रहे हैं, उसका मैक्सिमम कैरेक्टर कितना कितना होना चाहिए, 31 लेटर्स। लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा कि छोटा से छोटा वेरिएबल सब लोग लिख पाएँ। ठीक है, बिलो 8 हो तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक ओके, यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वेरिएबल्स कैसे आप लोग लिख सकते हो। लिखा लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग सी प्रोग्राम ए बी सी डी इज द वेरिएबल्स। यहाँ ए बी सी क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है, बट वेरिएबल ई इज नॉट डिक्लेयर्ड एंड इज यूज्ड बिफोर डिक्लेरेशन आफ्टर कंप्लीट। ठीक है, ये प्रोसेस है, लेकिन बस ना जान लीजिए कि जब हम इस तरह का कोडिंग करेंगे तो इसमें जो ए बी सी हम यहाँ लिख रहे हैं, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है। ए बी सी की जगह आप कोई नाम ले सकते हैं, जैसे कि जॉन, फिर किसी कंपनी का नाम, या फिर कोई भी कुछ भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो वो है क्या, एक वेरिएबल के तौर पर जाना जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल इस तरह से लिखा जाता है।
देखिए वेरिएबल लिखने का यहाँ रूल्स भी मैंने लिख दिया है कि आपके अपर केस और लोअर केस आप लोग यूज़ कर सकते हो, और याद रखिए कि वो डिफरेंट मतलब अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, यानी कि अपर केस का अलग मीनिंग और लोअर केस का अलग मीनिंग होता है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर आप सम लिखते हो कैपिटल में और सम लिखते हो स्मॉल में, तो दोनों का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट है। ठीक है, कोई भी स्पेशल करेक्टर आप यूज़ नहीं कर सकते अदर देन अंडरस्कोर। ठीक है, और यहाँ एक और कंडीशन है कि कुछ कंपाइलर ऐसे होते हैं जिसमें आप 8 कैरेक्टर्स से ज़्यादा का वेरिएबल नहीं लिख सकते। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 31 लेटर्स। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या था कि कोई कंपाइलर आपको 8 कैरेक्टर तक ही अलाउ करेगा, इससे ज़्यादा नहीं करेगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप 8 कैरेक्टर्स तक ही अपने वेरिएबल को लिखने का आदत डालें। ठीक, बहुत सारे नाम या बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं 8 कैरेक्टर्स से, ऐसा नहीं कि नहीं बना बन सकता। ठीक है, उसके बाद देखिए वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ठीक है, इसमें क्या है कि एक्चुअली देखिए एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, ये क्या इंट है, एक डाटा टाइप जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंट एक डाटा टाइप है और ये ए है वेरिएबल। तो इसका सिंटैक्स एक्चुअली इस तरह से होता है, जब हम डिक्लेयर करते हैं किसी वेरिएबल को तो पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम वेरिएबल नेम लिखते हैं। ठीक है, जी इसमें क्या ये इंट है डाटा टाइप, ए है वेरिएबल, फिर शॉर्ट इंट है डाटा टाइप, फिर ए और बी है वेरिएबल, फिर इंट है डाटा टाइप, सी डी है वेरिएबल, इस तरह करके आगे। ठीक है, इसको देखिए डाटा टाइप आ गया। बेसिक डाटा टाइप क्या है, बेसिक डाटा टाइप 4 प्रकार के होते हैं, यहाँ लिखा हुआ 4 int फ्लोट और डबल। ठीक है, ये जो है ये मतलब 4 जब हम डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो ये रैम में 1 byte ऑक्यूपाई करता है मेमोरी। ठीक है, इसीलिए ये मैंने यहाँ लिखा है मेमोरी कितना ऑक्यूपाई करता है उसके बारे में जानकारी है। ठीक है, आगे देखिए ये 4 जो है इट रेफर्स टू कैरेक्टर, ये कैरेक्टर को रेफर करता है। इंट जो इंटीजर को रेफर करता है। फ्लॉट जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट रियल नंबर को रेफर करता है। डबल क्या है, इट ऑल्सो रेफर्स टू फ्लोटिंग पॉइंट टू और रियल नंबर। ठीक है, लेकिन ये फ्लोटिंग पॉइंट और रियल नंबर को ही रेफर करता है, बट इसमें क्या होता है कि आप 12 डिजिट तक डेसिमल के बाद 12 डिजिट और ले सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ लिखा हुआ है, फ्लॉट में क्या है कि 6 डिजिट होता है डेसिमल के बाद, लेकिन डबल में क्या आप 12 डिजिट इसमें अलावा 12 डिजिट तक ये काउंट करता है। ठीक है, ये कुछ एडिशनल डाटा टाइप्स हैं, अनसाइंड 4, शॉर्ट इंट, इसके बारे में हम लोग जानेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब, इसमें कितना बाइट्स ऑक्यूपाई होता है रैम से उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल है जब आप उसको किसी प्रोग्राम को कोड करते हो तो, ताकि आपका जो प्रोग्राम है वो स्लो ना चले किसी और सिस्टम में। ठीक है, अगर आप सही डाटा टाइप का यूज़ करोगे तो, जैसे कि मैं फिर एक एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ। देखिए इंट में क्या है कि 2 bytes ऑक्यूपाई होते हैं रैम में, और यहाँ शॉर्ट इंट में क्या है कि 1 byte होते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है मतलब जब एग्जाम्पल बताऊँगा तो आपको पता चलेगा कहाँ शॉर्ट इंट यूज़ करना है और कहाँ इंट यूज़ करना है, दोनों एक ही है, दोनों इंटीजर ही है, रेफर्स टू इंटीजर, बट इसमें क्या है 2 bytes आपका ऑक्यूपाई करेगा और इसमें सिर्फ 1 byte ही ऑक्यूपाई करेगा। तो इसमें आप इसका बेनिफिट यही है कि आप इसमें मेमोरी का सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करके। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, ये ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस हैं। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन जो है वो 6 टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, असाइनमेंट एंड कंडीशनल ऑपरेटर, और एक यहाँ है बिटवाइज ऑपरेटर, सॉरी 7 टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे प्रैक्टिकल करते हो। ठीक है, तो फिलहाल जो बेसिक थिंग है यानी कि जो कि थ्योरी पार्ट है वह यही है कि आपको कैरेक्टर कौन कौन से यूज़ होता है सी में उसके बारे में जानकारी रखना है, मतलब ध्यान में रखना है, और कीवर्ड्स क्या क्या रिजर्व इसके बारे में जानकारी रखना है, उसके बाद कांस्टेंट किसे कहते हैं और कांस्टेंट के प्रकार कितने होते हैं, मतलब कांस्टेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट आपको ध्यान में रखना है, और वेरिएबल्स कैसे लिखा जाता है, डाटा टाइप को कहाँ लिखते हैं, वेरिएबल्स को कैसे लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसे मैंने अभी बता दिया है, फिर भी आप लोग अगर क्लियर नहीं है, अगर मोर डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके देन ओके। और ये दो कुछ दो फंक्शंस हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। ओके, ये प्रिंट ऐप फंक्शन है, प्रिंट ऐप पैरेंथेसिस फंक्शन, ये क्या करता है, ये डिस्प्ले करता है किसी भी टेक्स्ट को या फिर कुछ भी अगर आपने लिखा है इस फंक्शन के अंतर्गत तो ये आपको दिखेगा मॉनिटर स्क्रीन पे।
ठीक है, इसका जो ये सिंटैक्स है वो इस तरह से है, प्रिंट एप और यहाँ फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखते हैं हम लोग डबल कोट्स के अंदर अंदर, और उसके बाद हम लोग वेरिएबल को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, देखिए ये एग्जाम्पल देख लीजिए, प्रिंट एप ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया और ये हो गया वेरिएबल्स। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल भी है, ये थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें मैंने पहले स्लैश एन लिखा हुआ है, स्लैश एन का मीनिंग होता है न्यू लाइन। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। बाकी ये जो 6.3 F लिखा हुआ है इसके बारे में भी हम लोग बाद में जानेंगे डिटेल से। ठीक है, जब एग्जाम्पल हम लोग प्रैक्टिकली जब कोड ब्लॉक्स में जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे तब हम लोग जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, अभी ये देख लीजिए स्किप सीक्वेंस की, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि स्लैश एन जो होता है वो क्या होता है, मूव टू न्यू लाइन, ये न्यू लाइन क्रिएट करता है, फिर मूव टू न्यू लाइन होता है। ठीक है, तो इसी तरह और भी कैरेक्टर कॉन्स्टेंट हैं जिसका मैंने मीनिंग यहाँ पर लिख दिया हुआ है, जैसे कि स्लैश ए है, इसे क्या होता है ऑडियो, ये एक मतलब अलर्ट आपको बीप सुनाई देगा आपके मे बी CPU स्पीकर पे या फिर आपकी स्पीकर पे, तो एक बीप सुनाई देगा। इसे क्या होता है कि बैक स्पेस होता है और इसे फॉर्म फीड, तो बेसिकली हम लोग ये स्लैश एन ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और बाकी एक ये यूज़ किया जाता है, ठीक है, कमेंट्स के लिए एक्चुअली, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि ये सॉरी ये कमेंट्स के लिए नहीं है, ये स्किप सीक्वेंस की तरह यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या था कि ये बैक स्लैश को प्रिंट करता है, सॉरी कमेंट का दूसरा फॉर्मेट है उसको मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे रिकैप के लिए, अगले दिन यही है एक स्किप सीक्वेंस। अभी एक और है यहाँ देख लेते हैं हम लोग, स्कैन एप फंक्शन। स्कैन एप फंक्शन क्या था, इज यूज टू रीड इनपुट वैल्यू वेरिएबल यूजिंग स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, मतलब आप जो भी इसमें इनपुट कीजिएगा उसको ये रीड करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो सिंटेक्स होता है ये होता है स्कैन एप फॉर्मेट स्ट्रिंग और वेरिएबल एम्परसेंड, वेरिएबल एम्परसेंड वेरिएबल और एम्परसेंड वेरिएबल, इसको एम्परसेंड बोलते हैं। ठीक है, तो जान लीजिए थोड़ा बहुत इसके बारे में जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सब लोग इसको पढ़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो 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 भी हम लोगों ने थ्योरी रिकैप किया उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी लिख दूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या है एक्चुअली, इसमें है कि एम्परसेंड क्या क्यों यहाँ लिखते हैं हम लोग, क्योंकि ये जो है इसका मेमोरी को एड्रेस करता है। ठीक है, तो मतलब ये कहाँ स्टोर होना चाहिए ये उसके बारे में, जैसे कि हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो कहाँ स्टोर होना चाहिए, कोई भी यूज़र जो है कोई भी इनपुट डालेगा तो वो इनपुट कहाँ स्टोर होना चाहिए, कौन सी मेमोरी पे उस एड्रेस को ये डिफाइन करता है। ठीक है, ओके, देन यहाँ लिखा हुआ है पूरी तरह से क्लियर, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि V1 V2 क्या है, वेरिएबल से आर टू बी रीड फ्रॉम द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड से ये क्या जाएगा, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग का भी यहाँ लिखा हुआ है, और सैम्बल सॉरी सैम्बल सैम्बल एम्परसेंट जो है उसका वो क्या रिप्रेजेंट करता है वो भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसका लोग पढ़ सकते हैं, स्कैन ऐप का एग्जाम्पल देख लीजिए कैसा हो सकता है, जैसे परसेंट डी परसेंट डी परसेंट, ये तो वेरिएबल है और ये परसेंट क्या क्या इंडिकेट कर रहा है कि मेमोरी एड्रेस कहाँ ये स्टोर होगा वो बता रहा है। ठीक है, ये एक देखने वाली चीज़ मेन चीज़ इसमें स्कैन ऐप में ये है कि हम लोग कहीं परसेंट डी लिखते हैं, कहीं परसेंट एफ लिखते हैं, कहीं परसेंट सी लिखते हैं, कहीं परसेंट एस लिखते हैं, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, मतलब कहाँ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ किस स्कैन ऐप के साथ परसेंट डी लिखूँ, किस स्कैन ऐप के साथ परसेंट एफ लिखूँ, सी लिखूँ और एस लिखूँ। ठीक है, तो उसके लिए एक चार्ट यहाँ मैंने लिखा बनाया हुआ है कि आप जब भी इंट यानी कि इंटीजर इंट जब भी आप डाटा टाइप इंट लगाएं और उसमें अगर कोई इनपुट अगर डालना है यूज़र को तो उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं, परसेंट डी परसेंट यू और परसेंट ओ। ठीक है, उसके बाद परसेंट डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल इंटीजर वैल्यू, और जो भी है यहाँ लिखा हुआ है सारी की मीनिंग सही मीनिंग्स यहाँ लिखी हुई। ठीक है, हम लोग अगर परसेंट एफ हम लोग डालेंगे तो इसका मतलब क्या फ्लॉट, यानी कि फ्लॉट फ्लॉट हम लोग डाटा टाइप अगर फ्लॉट ये डबल यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग को ये जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग
फॉर्मेट स्ट्रिंग ये यूज़ करना है, ठीक है। अगर हम चार डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो हमें ये फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ करना है। इसी तरह और भी फॉर्मेट स्ट्रिंग होते हैं, जैसे परसेंट एच डी, परसेंट एल डी, परसेंट एल एफ आर यूज फॉर शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, जो एडिशनल डेटा टाइप होते हैं उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से ये रिकैप के लिए काफ़ी है। अभी हम लोग स्विच करेंगे ऑपरेटर्स पढ़ने में, यानी ऑपरेटर्स के बारे में, ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स जो पहले हम लोग कवर करेंगे कि ऑटोमेटिक ऑपरेटर्स का जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस है उसके बारे में हम लोग प्रैक्टिकली जानेंगे कोड ब्लॉक्स में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।